इस दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार से आंगनवाड़ी सहिकाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति पर ध्यान देने, आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवाएं स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा और बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। तो फाइनली पिछले कई महीनों से भारत के अलग अलग राज्यों में आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन अपने अधिकारों के लिए किया जा रहा था। इसके संबंध में एक रिजल्ट जो है लोकसभा में यानी कि संसद के निचले सदन में देखने को मिल रहा है। भारत से आए लगभग सभी राज्यों से आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए उनके सांसदों ने लोकसभा में आवाज उठाई और आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो चीजें मिलनी चाहिए थी, जिस प्रकार की उनकी स्थिति है, उन पर चर्चा की गई और साथ में जो जवाब स्मृति ईरानी के द्वारा दिया गया उसका पूरा का पूरा एक शॉर्ट वीडियो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपको मालूम चलेगा कि आप किस राज्य की सेविका है तो उस राज्य के जो भी सांसद महोदय है उन्होंने आपके लिए क्या कहा है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूरे भारत के आंगनवाड़ी वर्कर्स को देखने को मिलेगा अगर केंद्र सरकार के स्तर से आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ मानदेय में इंक्रीमेंट या फिर वेतनमान या फिर पेंशन किसी प्रकार की योजना लागू की जाती है तो देखने को जरूर मिलेगा। ये जो वीडियो है ये आपके कारण ही पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आप लोगों ने पिछले कई महीनों से अलग अलग राज्यों में हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया हुआ था। इसका असर जो है सड़क से लेकर के संसद तक दिखाई दे रहा है। फाइनली वीडियो को पूरा देखिएगा, हम उम्मीद करेंगे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के तहत बीएसपी सांसद रितेश पांडे द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी कदम पर पेश निजी संकल्प पर आगे की चर्चा की। इस दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार से आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति पर ध्यान देने, आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवाएं स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा और बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। घर में अगर मैक्सिमम दो लोग काम करते हैं और घर में आठ लोगों का परिवार चलता है, ये हमारी एक सिस्टम डेवलप हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में देश को अगर बहुत तेजी से आगे जाना होगा, हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं लेकिन बहुत जल्दी हम आगे भी जम करके आगे जाएंगे, तो ऐसे समय पर पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ेगा और इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बच्चियां और महिलाएं काम करने लगी है। लेकिन इनको सम्मानजनक ढंग से काम मिले और काम का सही दाम मिले, इस प्रकार की भी एक व्यवस्था देश में निर्माण होती ही जा रही है, उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देकर और अधिक लाभ बहनों को और महिलाओं को किस तरह से मिले इसका भी हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड वर्कर्स बी रेगुलराइज्ड एज द लास्ट ग्रेड सर्वेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी, सो दैट द रेगुलराइजेशन विल टेक प्लेस, दैट इज द पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू मेक। And regarding the welfare aspects, it is very easy because ESI benefit, madam, nowadays the employee state insurance medical benefit is one of the best medical benefit which is available in our country. आंगनवाड़ी केंद्र अच्छे से संचालित हो इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता सहायिका है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, जहाँ पे रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, कोई डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता, वहां पे जाता है तो सिर्फ कार्यकर्ता और सहायिका जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉयज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। इन लोगों की बीच में जो स्किल, ये स्किल की कमी तो है क्योंकि अब तक इन लोगों को अनस्किल्ड वर्कर माना जाता, तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार इनको स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए। बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हमारे वैष्णव साहब भी बैठे हैं, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर स्किल्ड बनाने के लिए
आप लोगों को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो मैं ये सारे मुद्दे को सामने रखते तहे दिल से इनको समर्थन करता हूँ और इसके साथ साथ सरकार को ध्यान आकर्षण करती है ये करने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये गुजारिश भी करता हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर को और आर्थिक सुविधा मुहैया किया जाए, क्योंकि आर्थिक तंगी के साथ कोई ज्यादा सेवा चाहे भी तब भी नहीं हो पाती। ये सत्य है कि 12,000 रुपए देते थे, स्टेट्स ने बोला कि आप इस राशि को बढ़ाएं, तो उसे 36,000 किया गया। ये इस बात का संकेत है दैट द मोदी गवर्नमेंट इज एम्पैथेटिक एंड क्विकली रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द आंगनबाड़ी सिस्टम। सो चूंकि ये बात उठी है, दूर तलक नहीं जाएगी, लेकिन इतना संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भले ही व्यवस्था शुरू हुई 1970 के दशक में 33 प्रोजेक्ट से और आज 13 लाख आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था पहुंची है,